हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा कक्षा 4 की पुस्तक को, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचमा पाठ बुद्धि वलम। तो चलिए हम पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। एकस्मिन वने एक सिंह निवसति, एक वन में एक शेर रहता है। सह प्रतिदिनम एकस्य पशु वधम करोति, वह प्रतिदिन एक पशु का वध करता है। एकस्य शशकस्य क्रमः आगच्छत, एक बार एक खरगोश का नंबर आ जाता है। किंतु शशकः विलंबेन सिंहस्य समीपं गच्छत, किंतु खरगोश देर से शेर के पास जाता है। विलंबात सिंह बहु क्रुद्ध भवति, देरी के कारण शेर बहुत गुस्सा हो जाता है। विलंबस्य च कारणम पृच्छति, और देर होने का कारण पूछता है। शशक महाराज वने एक अन्य सिंह अपि अस्ति, खरगोश कहता है महाराज वन में एक दूसरा शेर भी है। सह मार्गे मम अवरोधन करोति, वह मार्ग में मेरा अवरोध करता है। सिंह अहो वने एक अन्य सिंह अपि अस्ति, शेर अहो वन में एक दूसरा शेर भी है। शशक आम महाराज, खरगोश हाँ महाराज। सिंह सह अन्य सिंह कुत्र अस्ति, शेर वह दूसरा शेर कहाँ है। शशक समीपे एव एक कूपः अस्ति, सह तत्र निवसति, खरगोश कहता है पास में ही एक कुआं है, वह वहाँ रहता है। सिंह शशकेन सह अन्यम सिंह द्रष्टुं कूपस्य समीपं गच्छत, शेर खरगोश के साथ दूसरे शेर को देखने के लिए कुएं के पास जाता है। सिंह कूप जले स्व प्रतिबिंबं पश्यति कथयति च, शेर कुएं के जल में अपनी परछाई को देखता है और कहता है। सिंह अयमेव अन्य सिंह अस्ति, शेर यही दूसरा शेर है। शशक आम महाराज अयमेव अन्य सिंह, खरगोश हाँ महाराज यही दूसरा शेर है। क्रुद्ध सिंह अपरम सिंह हंतु कूपे कुर्दते, क्रोधित शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूदता है। शशक बुद्धयाम स्वरक्षाम करोति, खरगोश बुद्धि से अपनी रक्षा करता है। अतः साधुक्तम, अतः ठीक कहा गया है। बुद्धिर्यस्य वलम तस्य, जिनकी बुद्धि है वह शक्तिशाली है। प्रश्न एक, एक पदेन उत्तरत, यथा सिंह कुत्र निवसति, उत्तर वने। क सिंह प्रतिदिन किम करोति, उत्तर एकस्य पशु वधम। ख शशक बुद्धयाम किम करोति, उत्तर हो जाएगा स्वरक्षाम। प्रश्न ग सिंह कूप जले किम पश्यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वप्रतिबिंबम। प्रश्न दो, वाक्यानि पूरयत,
सस्कः विलम्बेन सिंहः समीपम्, तो इसमें हम भरेंगे आगच्छति। क सिंहः बहुक्रुद्धः, तो इसमें हम भरेंगे भवति। प्रश्न दो ख सिंहः कूपजले स्वप्रतिबिम्बम्, तो इसमें हम भरेंगे पश्यति। प्रश्न दो ग सिंहः कूपे, तो इसमें हम भरेंगे कूर्दति। प्रश्न तीन विपरीतार्थक पदानि परस्परम योजयति, यानी विपरीत शब्द को मिलान करना है। तो इसमें पहला है क्रुद्ध, तो इसका हम मिलान करेंगे प्रसन्न। समीपम, तो इसका हम मिलान करेंगे दूरम। विलम्बेन, तो इसका हम मिलान करेंगे समयेन। वधम, तो इसका हम मिलान करेंगे रक्षणम। एक, तो इसका हम मिलान करेंगे अनेक। हाँ तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।